चंडीगढ़ छेड़खानी केस में एसएसपी ईश सिंघल ने कहा पुलिस पर नहीं है कोई पॉलिटिकल दबाव, पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच, केस को ना मनाए मीडिया ट्रायल। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बीजेपी में भी उठी आवाजें। राजकुमार सैनी ने बराला का मांगा इस्तीफा तो स्वामी ने कहा दाखिल करूंगा पीआईएल। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में 5 जगहों की फुटेज गायब होने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, मामले में पुलिस की कार्रवाई न करने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बेंगलुरु से अहमदाबाद लौटे कांग्रेसी विधायकों से अहमद पटेल ने की मुलाकात, पटेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, पार्टी में टूट के डर से विधायकों को भेजा था बेंगलुरु। त्रिपुरा में टीएमसी को बड़ा झटका, पार्टी छोड़कर टीएमसी के सभी 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। माफिया अपराधी गठजोड़ और आतंकियों से निपटने की यूपी सरकार की तैयारी, मकोका की तर्ज पर योगी सरकार बनाएगी यूपी कोका। यूपी में खोई जमीन पाने की कोशिश में लगी सपा, 9 अगस्त से अखिलेश यादव देश बचाओ देश बनाओ रैली की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों और वृंदावन की विधवाओं के साथ मनाया रक्षाबंधन, विधवाओं ने हाथ से बनाई थी राखियां। जम्मू में स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी, शिलांग में बांग्लादेशी महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों को बांधी राखी। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। थाने में बरामद विस्फोटक पर एडिशनल सीपी ने बताया मामले में 3 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 15 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 9 डिटोनेटर हुए बरामद। गाजियाबाद के मोदीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार, बदमाशों से हथियार भी मिले। श्री संत को बड़ी राहत, केरल हाई कोर्ट ने भी हटाया बीसीसीआई का लगाया बैन, बोले गॉड इज ग्रेट। फतेहाबाद में चलती रोडवेज बस में हंगामा, बस में सवार कुछ लड़कियों ने युवक पर लगाया वीडियो बनाने और बदतमीजी करने का आरोप, वहीं बस में सवार कई यात्रियों ने लगाया बुजुर्ग महिला को सीट से उठाने को लेकर हंगामा करने का आरोप। बस कंडक्टर ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को युवक के बारे में सूचना दी, इसके बाद बस के फतेहाबाद बस स्टैंड पर पहुंचते ही युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। बस सवार पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को दी युवक के खिलाफ रिटर्न में कंप्लेन, पुलिस बोली युवक ने पी हुई थी शराब, नियम के मुताबिक की जा रही है कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में एक महिला की चोटी कटने की झूठी खबर सामने आई, महिला के भतीजे ने ही मजाक में काट दी थी ताई की चोटी। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर, 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत, 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हापुड़ में दिन दहाड़े दंपत्ति से लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट, दिल्ली से गजरौला जा रहा था ये दंपत्ति। सिरसा में रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान, 4थी मंजिल पर लगी आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। आग कैसे लगी इस वजह का खुलासा नहीं, पुलिस का कहना है कि दुकानदार ने नहीं किया था आग से बचने के लिए कोई इंतजाम। 1 घंटे की बारिश में फरीदाबाद नगर निगम की खुली पोल, पूरा शहर हुआ जलमग्न, लोगों को हुई परेशानी। जलभराव से गाड़ी चालकों को हुई परेशानी, कई गाड़ियां पानी में फंसी, निगम के नालों की सफाई पर उठे सवाल। अंबाला छावनी के साहा के साथ लगते गांव गोला में नदी का बांध टूटे के कारण पूरा गांव हुआ जलमग्न, गांव के लगभग 250 एकड़ फसल पानी के चलते हुई तबाह, गांव की महिलाएं इस खतरे को भांपते हुए भगवान के आगे लगा रही है गुहार।